ये देख लीजिए, ये डल चुका है झूला। ये छोटा झूला बच्चों के लिए डल गया, ये बड़ा वाला बड़ों के लिए डल गया, तो सभी झूलेंगे इसमें। तो यहाँ यहाँ देखिए शाही तोश की ब्रेड सिक रही है, वो भी देसी घी में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्लॉग्स ऑफिशियल 57। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से ही, काफ़ी दिनों बाद व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि मेरे बीच में एग्जाम्स भी थे, तो बहुत ही लेट मैंने वीडियोस एडिट की है। और फाइनली सारी वीडियोस एडिट करने के बाद आज मैं पहले की तरह अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए अभी मैं अपने फर्स्ट पहले वाले रूम पे हूँ, जहाँ पे मैंने जिस रूम का मैंने मेक ओवर किया था, आप देख सकते हो। तो ये रहा वॉल, सारी देख सकते हो, इसे मैंने खुद ही अपने हाथों से पेंट किया था और कितने ज़्यादा अच्छे से पेंट किया था। इसमें मेरी प्लेलिस्ट में इसके वीडियोस पड़े हैं, आप वहां से जाके वॉच कर सकते हो कि किस तरह से मैंने इसे डिज़ाइन किया बहुत ही किफ़ायती तरीके से। तो चलिए अभी हम चलते हैं नीचे, क्योंकि मेरा काम तो जैसे कि किचन का ही रहता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको अपने यहाँ की नदी दिखा देती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो नदी में बाढ़ आ चुकी है। तो देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है नदी, आपको दिखा देती हूँ याली विंडो से। तो ये देखिए, ये देखिए, आपको यहाँ से मैं दिखाती थी पर डे मॉर्निंग का व्यू, तो नदी कितनी दूर थी, लेकिन अभी देख सकते हो आप ये कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, कितने ज़्यादा पास एकदम आ चुका है इसमें पानी। अभी ये और भी ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि हमेशा ही अक्सर यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ से जो आपको ब्रिज दिखता था जो अभी बन रहा था, तो देखिए सारे पिलर्स उसके डूब चुके हैं, आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा बाढ़ आ चुकी है, ऐसे ही अक्सर यहाँ आ जाया करती है। और यहाँ देखिए, यहाँ जो बंदा है यहाँ झाड़ू लग रही है, यहाँ बच्चे, सावन का महीना है तो झूला डाले हुए हैं, तो यहाँ देखिए झूल रहे हैं कुछ बच्चे। और बारिश का मौसम है तो कितना हरा भरा हो गया है सब, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे, काम भी ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ मेरी अप्पी देखिए गेहूँ बिन रही हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही घर के ही आटा बनता है, घर के ही गेहूँ को छान बीन कर अच्छे से उसके बाद हम लोग पिसवाते हैं, तो सब कुछ देसी देसी है। चलिए अब चलते, तो हम लोग आ चुके हैं नीचे। तो ये देखिए किचन में आ गए और यहाँ भी नाश्ता बन रहा है, तो ये पापा के लिए सिमाई बन रही है शुगर फ्री, और ये चाय बनी रखी हुई है, और यहाँ ब्रेड तो भी बनेंगे, सबसे पहले यहाँ शाही टुकड़ा, वो हमारा ब्रेकफास्ट होगा। और मैं फिर खाने में क्या बनाती हूँ अभी आपको आगे पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पर बन चुकी है शुगर फ्री सिवई। तो यहाँ देखिए चाशनी बनाने के लिए इसमें कलर डाल दिया है, लेकिन इसमें शक्कर नहीं डाली मम्मी, छेना की चाशनी। तो देखिए मेरी मम्मी कुछ भी बर्बाद नहीं करती है, तो छेने आए थे घर में, जो उसका शीरा बचा था, चाशनी बची थी, उससे ही यहाँ शाही तोश बना रही हैं। तो ऐसे ही सारी चीजों का यूज कर लेती हैं, कुछ भी बर्बाद नहीं करती हैं, ये भी मेरी मम्मी का टैलेंट है। जब कोई करने वाली है तो उसको बर्बाद करती है। हाँ सही बात है। यहाँ देखिए शाही तोश की ब्रेड सिक रही हैं, वो भी देसी घी में। तो ये देखिए चाशनी बन चुकी है, अब ब्रेड को घी में सेक के इसमें हम अच्छे से डिप कर लेंगे। सबसे जल्दी बनने वाला ये नाश्ता है और टेस्टी भी लगता है, अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो जरूर बना के खिलाइए। तो ये थोड़ी चाशनी में अच्छे से सोक हो जाए, तो उसके बाद हम देखिए इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम सारी, तो यहाँ देखिए इसके बाद यहाँ हम ताजी ताजी मलाई शाही टोस्ट के ऊपर लगाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा हो जाता है। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं।
और फिर इसे टेस्ट करिए। हमें तो ऐसे ज्यादा ही अच्छा लगता है मलाई के साथ, तो हम लोग तो ऐसे ही खाएंगे। तो ये देखिए सारी तो हमारा रेडी हो चुका है। चलिए इसे मैं दे आती हूँ अपने भाई को, काफी देर से वेट कर रहा है ब्रेकफास्ट का। ये लो। कैसा बना है? थोड़ा जोर से बोलो कि सुनाई दे। हेलो फ्रेंड्स, तो देखा आपने कितना फटाक से बन गया ये साइट्रस वाला नाश्ता, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी था, तो भाई को पसंद भी आ गया। तो फ्रेंड्स, अब मैं लंच में क्या बनाने वाली हूँ तो आप लोगों को बता देती हूँ। हमारे घर में आ चुका है मट्ठा, तो आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी। वैसे तो कढ़ी कई तरह की बनती है, लेकिन मैं बनाने वाली हूँ सिंपल वाली, ज़्यादा मसाले वसाले की नहीं बनाने वाली हूँ। तो आज मैं सिंपल सी कढ़ी बनाऊँगी, तो फुल रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो फुल ब्लॉग आपको वॉच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देर काफ़ी हो रही है, सबका ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, तो यहाँ मैंने तैयारियाँ कर ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पकौड़ों के लिए बेसन निकाल लेती हूँ और उसको अच्छे से मिलाकर रख देती हूँ। तो यहाँ मैं ले लूँगी 4 चम्मच बेसन, क्योंकि हमारी फुल फैमिली है और उसके हिसाब से ही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने इतना बेसन ले लिया है पकौड़ों के लिए। अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ पिसी मिर्च, अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। तो इसे हम थोड़ा सा पानी डाल डालकर अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसका पेस्ट बनाएंगे। कुछ लोग बूंदी वाली कढ़ी भी बनाते हैं, कुछ लोग प्याज वगैरह सारे जो वेजीज होती हैं ना उसको ऐड करके बनाते हैं पकौड़े, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ सिंपल। सारी जितने भी तरह की कढ़ी बनती हैं तो वो सारे ही, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ सिंपल वाली कढ़ी। सिंपल नहीं है, है पकौड़ों वाली, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा मटेरियल मैं आज यूज़ नहीं करूँगी। बस नमक मिर्चा वगैरह और हल्का सा मसाला का यूज़ करके ये कढ़ी को बनाऊँगी। तो चलिए फटाफट से हम बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो पकौड़ों का बेसन है वो तैयार हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको फेंट दिया है, आप देख सकते हो। और अब मैं जब इसे थोड़ी देर फूलने के लिए रख देती हूँ और यहाँ कर लेती हूँ मसाले की तैयारी। तो यहाँ बस हल्का सा मसाला मैं ऐड करूँगी, तो प्याज लहसुन अदरक इसे मैं कट कर लेती हूँ।
देखिए ये बेसन का अच्छा खासा पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें और पानी ऐड कर दूंगी और इसे पतला कर लूंगी इस तरह से, क्योंकि बाकी का उसमें हम मट्ठा ऐड करेंगे यानी कि छाछ। यहाँ देखिए हमारा मसाला अच्छे से बन चुका है, तो इसमें हम ये बेसन का जो घोल है उसे हम ऐड कर देंगे और इसे अब हम चलाते ही रहेंगे वरना ये जो इसकी गुठलियाँ हैं वो पड़ जाएंगी। तो जब तक ये अच्छे से पकने नहीं लगता है, कड़ी में खोल नहीं हो जाती, हम इसे चलाते रहेंगे और जब ये अच्छे से थोड़ा पकने लगेगा तो इसमें हम ऊपर से मट्ठा ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी डालेंगे तो मट्ठा फट जाएगा, थोड़ा सा ये पक जाएगा उसके बाद डालेंगे तो कड़ी तब हमारी चिकनी चिकनी बनती है। तो यहाँ देखिए ये अभी कितना ये पतला था, देखिए डालते ही सारी पकते पकते कितना गाढ़ा होने लगा है, तो इसे हम चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो अभी मैं बाउल में मट्ठा ले लेती हूँ और जिससे कि इसमें बचा हुआ बेसन भी इसके साथ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और इसे हम कड़ी में यूज़ करेंगे। तो हम टेस्ट के हिसाब से मट्ठा यूज़ करेंगे, किसी किसी को खट्टी कड़ी पसंद नहीं होती है तो कम इस यूज़ करें और पानी उसमें ऐड कर सकता है, लेकिन जिसको खट्टी पसंद है तो वो ज़्यादा मट्ठा यूज़ करें। अभी ये जो मेरा मट्ठा है ये ताज़ा है बिल्कुल, तो इसलिए ज़्यादा ये खट्टा नहीं है, इसमें खट्टापन ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ देखिए अब इसमें हम कड़ी में ऐड करेंगे मट्ठा। ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करती हूँ, जितना भी बेसन इसमें बचा हुआ है। तो ये देखिए मैंने इसे थोड़ा सा चलाना रोक दिया था, तो इसमें कैसे देखिए गांठ सी हो गई है, इसे मैं फोड़ लूँगी। ज़्यादा देर इसे छोड़ा नहीं जाता है, जैसे अभी इसमें गुठलियाँ बन गई तो बस ऐसे ही हम इसे कलछुली से फोड़ लेंगे, तो अभी हमारी कड़ी अच्छी हो जाएगी। ज़्यादा देर हो जाती है तो फिर ये टाइट हो जाती है, तो फिर अच्छी नहीं होती है, कड़ी ख़राब हो चुकी होती है। तो यहाँ देखिए अच्छे से हमारा मेल्ट हो चुका है, बस थोड़ा सा हम इसे और चला देंगे। तो टेस्ट के हिसाब से इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मट्ठा ऐड करते जाएंगे। मैंने अभी टेस्ट किया तो उतनी ज़्यादा खट्टी नहीं है जितनी हमें चाहिए, तो इसमें मैंने मट्ठा और ऐड कर दिया है। ये देखिए कड़ी हमारी अच्छे से पकने लगी है, तो इसे हम चलाना बंद कर देंगे और इसे छोड़ देंगे पकने के लिए। थोड़ी देर पकने के बाद इसमें हम पकौड़ी ऐड करेंगे। यहाँ हम तड़का लगाने की तैयारी कर लेते हैं, तो ये इसमें मैंने थोड़ी सी हींग ऐड की है जीरा, और ये लाल मिर्च है, इन्हें थोड़ा तोड़ के डाल देंगे तो इससे महक और टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए हमने इसको धीमी आंच पे अच्छे से पका लिया है, कितनी चिकनी चिकनी सी हमारी कढ़ी हो चुकी है। इसमें अब हम पकौड़ी भी ऐड कर देंगे और इसे थोड़ी देर और पकने देते हैं। तो अभी इसमें हम 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में पका लेंगे, ज़्यादा देर इसे नहीं पकाएंगे वरना पकौड़ियाँ हमारी सॉफ्ट सॉफ्ट हैं ये टाइट हो जाएंगी। ये देखिए कढ़ी हमारी बन चुकी है, अब इसमें हम तड़का लगा देंगे, तो इसको हम उतार लेते हैं। तो फ्रेंड्स कढ़ी चावल बन चुके हैं, अभी मैं फटाफट से रोटी यहाँ सेक लेती हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है, दिमाग ख़राब हो जाता है पूरा गर्मी की वजह से। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैं अभी खाना बना के फ्री हो गई हूँ, यहाँ विंडो के पास आई थी तो सावन का महीना चल रहा है, तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ झूला डल रहा है, आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए कैसे झूला पड़ रहा है,
ये देखिए यहाँ ये बड़े वाले पेड़ पर, ये देखिए सारी लेडीज़ों ने झूला डलवाया है, सब खड़े हैं। नदी में बाढ़ भी आ चुकी है, अब यहाँ देखिए कितना मज़ा आएगा, सावन का झूला भी डल चुका है, सब झूलेंगे। ये देखिए सारी लेडीज़ें यहाँ इकट्ठा हैं, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, अभी आपको क्लियर करके दिखाती हूँ। ये देख लीजिए ये डल चुका है झूला, ये छोटा झूला बच्चों के लिए डल गया, ये बड़ा वाला बड़ों के लिए डल गया है, तो सभी झूलेंगे इसमें। तो यहाँ तो आप लोगों ने देख लिया होगा, सभी कुछ यहाँ पर अच्छे से मना लेते हैं, यहाँ सावन भी स्टार्ट हो चुका है तो झूला वगैरह सब कुछ पड़ चुका है। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैंने खाना खाया और थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर हो गया था ट्यूशन का टाइम, तो मैं चली गई थी ट्यूशन और फिर वहाँ से आने के बाद अभी बज चुके हैं 5:30, तो नहीं तो इस आज स्कूल कहाँ गई थी, गई थी क्या? तो झूला डल रहा था तब यहीं खड़ी थी। नहीं मैं थी, मेरी आज जल्दी छुट्टी हो गई थी ना स्कूल की। तो ये है हमारी कोचिंग का सबसे क्यूट बच्चा गन्नू, तो यहाँ देखिए किस तरीके से बैठे हुए हैं, इनकी बैठने के स्टाइल पे ही सब लोग हंस रहे थे, तो ये ऐसे ही एक्टिंग करते हैं और सबका एंटरटेनमेंट करते हैं। और हाथों में पहन के आए थे ये रबड़, तो वो निकाली तो ये गुस्सा हो गए क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता जो बज चुके हैं और मैं पढ़ा कर फ्री हो गई हूँ अभी। ये देखिए पेटी जा चुकी है, तो इसमें हम टोमेटो सॉस लगाएंगे फिर इसको खाएंगे, बहुत मज़ा आएगी, गरम गरम पेटीज हैं। ये तो अभी हम लोगों ने डिनर नहीं किया लेकिन उससे पहले हम लोग खाएंगे पेटीज, उसके बाद डिनर करेंगे। तो फ्रेंड्स व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तो कल के लिए कुछ अच्छा प्लान है, बाय।